इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों के साथ मकामी खबरों पर भी एक नज़र। बिहार इंतखाबात के मद्देनज़र आज चुनावी इजलासों का दौर खत्म हुआ, लिहाजा गठबंधन की तरफ अवाम का झुकाव मोदी नीतीश कुमार की परेशानियों में इजाफा करने वाला साबित हो रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की कमान संभाली है, वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी मैदान में है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार थक गए ऐसा कहा है, तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं मोदी योगी का जादू चलता नजर नहीं आ रहा, जिसका एहसास कई बार नीतीश कुमार की हरकतों से भी नजर आया। कहने का मतलब यह है कि बिहार चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति के तमाम मुद्दे ज्यादा असरदार नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम नफरत से भी अब लोग बेजार दिखाई दिए। भाजपा या मोदी सरकार को शायद अब भी भरोसा था कि मोदी का नाम ही काफी है, पर बिहार चुनाव से इतना जरूर दिखाई दिया कि अब कहीं पर मोदी लहर नजर नहीं आ रही। मोदी के राहत पैकेजेस या करोड़ों की इमदाद का ऐलान भी महज जुमला है, ऐसा आवाम को लग रहा है। आवाम बेरोजगारी, महंगाई, बंद कारोबार, किसान मजदूर का मुद्दा पर ही ज्यादा असरदार ये चुनाव नजर आ रहे। वहीं लालू यादव के दौर का जंगल राज का एजेंडा नीतीश मोदी की जानिब से चलाएगा। आवाम का कहना था कि काफी पुराने या बासी मुद्दे लेकर बहस करना बेवकूफी हो गया। आवाम मौजूदा हालात में दो वक्त की रोटी कैसे जुटाए, इस पर सवाल पूछ रही है। हमें राम मंदिर कश्मीर में 370 से क्या लेना देना, जबकि हमारे घरों के चूल्हे बंद है। हम अपने बच्चों को दो वक्त का खाना नहीं दे सकते, लिहाजा अब मोदी नीतीश सरकार को जाना होगा, ऐसा भी आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। आज चुनाव का आखिरी दौर खत्म हुआ, पर आवाम कह रही कि हमने तेजस्वी यादव महागठबंधन के हक में ही वोट किया हुआ है। नीतीश मोदी सरकार ने सिर्फ नफरत को ही बढ़ावा दिया, इससे बेहतर होता नीतीश मोदी गरीबों के मसाइल पर कुछ करते। अक्सर आवाम का यह कहना था, क्या मोदी दौर खत्म होने के आसार तो नहीं है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अमेरिकी चुनाव का असर भारत में भी काफी हद तक नजर आ रहा है। वैसे तो भारत जैसे मुल्क को पहले चुनावी तरतीब को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बैलेट पेपर पे वोट करता है, तो भारत में ही ईवीएम मशीन क्यों? ऐसा लगता है कि ट्रंप तो गली मोहल्ले के चुनाव की तरह झगड़ा निकाल कर बैठे हैं कि नहीं, मैं ही जीतूंगा, अगर नहीं जीता तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से गड़बड़ी हुई है। कहने का मतलब यह है कि अगर ईवीएम मशीन होती तो ट्रंप अपने आप को सदर अमेरिका शायद ऐलान ही कर देते। लिहाजा भारत में ईवीएम मशीन को लेकर बार बार तनाजा या सवाल उठाए जाते हैं, तो मशीन पर वोटिंग को बंद कर बैलेट पेपर पर ही हो, ऐसी आवाज फिर से बुलंद हो सकती है। वही दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप है कि हार मानने को तैयार ही नहीं। जब अपनी हार को कबूल करने के बजाय गड़बड़ी या धांधली की बात आम इजलासों में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, तब वहां की मीडिया भी सीधा टेलीकास्ट कर रही थी, पर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अपनी हार को ही जीत साबित करने की कोशिश सदर अमेरिका कर रहे थे, तो बेबुनियाद बातों को अपने चैनलों से टेलीकास्ट मुनासिब ना समझते हुए टेलीकास्ट को ही बंद कर दिया। भारत की गोदी मीडिया को इससे सबक लेना होगा, जो हमेशा दिन रात अंधभक्त की तरह और चाटुकार मीडिया की तरह असल मुद्दों पर सरकार से सवाल करने के बजाय झूठी तारीफ करने में ही फक्र महसूस करती रहती है। अमरीकी मीडिया ने यह भी बताया कि अगर दुनिया का ताकतवर मुल्क का भले ही सदर ही क्यों ना हो, पर कोई झूठ बोल रहा है तो इसकी तकरीर को न्यूज चैनलों पर नहीं दिखाया जाएगा, और इससे भारत की मीडिया को सीख लेनी होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम हर महाज पर नाकाम है। इन्हें ऐसे सवाल करें जो आवाम के हो, पर सवाल तो यहाँ पहले ही लिखे हुए होते हैं। आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो, आप में 18 घंटे काम करने का जोश कहाँ से आता है? खैर, ऐसे ही सवालों की इंटरव्यू भारत की मीडिया पूछती है। लोकतंत्र जमहूरियत को मजबूत करना है तो मीडिया को चाहिए कि विपक्ष बनकर सत्ता से सवाल करे, वरना गोदी मीडिया तो देश को अंधकार में ले जाएगी, जिसका असर हम सब पर होगा। अब कुछ मकामी खबरें। आवाम की परेशानियां अभी कुछ कम ही नहीं हुए हैं, पर हुकूमत नए नए कानून नाफिज कर रही है। अब नया कानून रियासत की जानिब से नाफिज किया गया है, पीछे बैठने वाली सवारी के साथ
अगर छोटा बच्चा भी है इसे भी हेलमेट पहनना होगा। 4 साल का बच्चा अगर बैठा है तो इस पर हेलमेट जरूरी है। अगर किसी तरह की खिलाफ वर्जी की गई तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि परवाना रद्द कर दिया जाएगा, जुर्माना अलग से वसूल किया जाएगा। हर रोज कितने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे इसके तफसीलात भी RTO दफ्तर में महफूज किए जाएंगे। शायद आने वाले दिन बेलगाम वालों के लिए काफी सख्त होंगे, क्योंकि इन्हें तो ना मास्क और ना हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की आदत है। अब तो बच्चों को भी हेलमेट से जहां पुलिस वाले खड़े नहीं होते उन सड़कों की तलाश कर बिना हेलमेट के ही जाएंगे। और वैसे भी सीमेंट रोड बनाने की वजह से अक्सर सवारियां गली मोहल्ले से होकर गुजर रही है, जिससे कई मोटरसाइकिल सवारों ने खुफिया रास्तों का पता कर लिया है। खैर, अब देखना है कि ट्रैफिक कानून पर बेलगाम वाले कितना अमल करते हैं। जो भी हो, पर ये बच्चों को हेलमेट पहनने की बात कुछ हजम नहीं हो रही। कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर इज्तमाई ईद त्योहारों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। अब एक बार फिर रियासत कर्नाटक की जानिब से दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी का ऐलान किया गया। येडियुरप्पा हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर कोई चोरी छिपे पटाखों को लगाता है तो पुलिस को इत्तला दी जाए, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। दिवाली में अक्सर करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त पटाखों की जाती है, पर मर्ज कोरोना के मद्देनजर मुकम्मल रोक लगा दी गई है। किसी तरह की आतिशबाजी या पटाखों पर पाबंदी आयद करने के बाद फैसले की मुखालफत भी की जा रही है। हिंदुत्ववादी तंजीमों ने आतिशबाजी को मजहबी रस्म से जोड़ने की कोशिश की है, पर कोरोना की वजह से फेफड़ों में कमजोरी होती है। पटाखों से कोरोना के मरीजों को तकलीफ में इजाफा हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बेलगाम हवाई अड्डा मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता जा रहा है। अब तक 1 लाख से भी ज्यादा मुसाफिरों ने यहां से सफर किया हुआ है। बेलगाम चामरा हवाई अड्डा मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद 1 लाख से भी ज्यादा मुसाफिरों ने यहां से सफर किया हुआ है। खास बात यह भी है कि हर रोज मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। जिस कदर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मुल्क की सतह पर भी इस हवाई अड्डे की तवज्जो ली जा रही है। वैसे भी मुल्क में 3रे नंबर पर होने की बात कही जा रही है। उड़ान योजना के तहत मुल्क के पहले 50 हवाई अड्डों में बेलगाम अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है। जब से लॉकडाउन खुला है पिछले सिर्फ 165 दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा मुसाफिरों ने बेलगाम से हवाई सफर किया हुआ है। बेलगाम हवाई अड्डों पर बेहतरीन सहूलतों के साथ वाजिब दाम भी इसकी वजह है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वाजह है कि बेलगाम से बम्बई, बेंगलोर, पुना, तिरुपति, मैसूर, कडप्पा के लिए सीधा सफर कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।